हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। ओके, वी हैव टेकन अ टेस्ट ऑन चैप्टर नंबर 7 ऑफ क्लास 7, दैट इज कंपेयरिंग क्वांटिटीज। सो वी विल डिस्कस द क्वेश्चंस ऑफ द टेस्ट हियर, ओके, इन टुडेज वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट एवर क्वेश्चंस वेर देयर इन टेस्ट, यू कैन सी द सॉल्यूशन हियर इन दिस वीडियो। ओके, सो दिस वॉज अवर फर्स्ट क्वेश्चन। द टेस्ट वॉज ऑफ 30 मार्क्स इन टोटल, और 30 आउट ऑफ पूरा पेपर था आप लोगों का। सो देर वेर 1 मार्क्स क्वेश्चंस, 3 मार्क्स क्वेश्चंस, 5 मार्क्स क्वेश्चंस वेर ऑल्सो देर इन द टेस्ट। तो वन बाय वन हम लोग देखेंगे सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज वॉट? सॉल्व द फॉलोइंग फॉर 1 मार्क ईच। सो यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन फॉर 1 मार्क। उसमें पहला क्वेश्चन है एक्सप्रेस द रेशियो इन सिंपलेस्ट फॉर्म। सो हमारे पास रेशियो किसका है? 50 पैसा इज टू रुपीज 6 एंड 25 पैसा। सो वी हैव टू यूज अ कन्वर्जन फैक्टर यार, क्योंकि हम लोग रेशो ले रहे हैं, और जब भी हम लोग रेशो लेते हैं तो यूनिट्स, दोनों क्वांटिटी का यूनिट्स सेम होना जरूरी होता है। तो यहाँ पे हम लोग ये जो अमाउंट है रुपीज में, इसको हम लोग पैसे में कन्वर्ट कर लेंगे। हमेशा बड़े यूनिट को आप छोटे यूनिट में कन्वर्ट करोगे। पैसा छोटा यूनिट है करेंसी का, इंडियन करेंसी का, और रुपीज बड़ा यूनिट है। सो वट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू कन्वर्ट। सो फॉर दैट वी हैव द कन्वर्जन फैक्टर 1 रुपीज, मीन्स हाउ मेनी पैसास? इट इज 100 पैसा। तो 6 रुपीज यानी 600 पैसा, और 25 पैसे यानी 625 पैसा। तो सब कुछ हम लोग पैसे में कन्वर्ट कर लेंगे। सो 50 पैसा इज टू 625 पैसा। नाउ वी कैन टेक द रेशियो, बिकॉज वी हैव कन्वर्टेड बोथ द यूनिट्स इन द सेम। सो वट विल बी द रेशो यर? अब रेशो क्या हो जाएगा? रेशो हो जाएगा 50/625। ओके, तो 25 का टेबल 25 2s and 25 25s, क्योंकि ये 625 25 का स्क्वायर है। तो रेशियो क्या आ रहा है हम लोगों को फाइनली सिंपलेस्ट फॉर्म में? द रेशियो इज कमिंग 2:25। ओके, सो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। सेकेंड क्वेश्चन, विच रेशियो इज ग्रेटर, 2:5 और 4:7? 2:5 का मीनिंग क्या है? 2/5, और दूसरा रेशो है 4:7, उसका मीनिंग है 4/7। तो कौन सा बड़ा है? तो आपको कुछ भी नहीं करना है, जस्ट मल्टीप्लाई द रेशोज विथ 100, ताकि आपको उसका परसेंटेज में वैल्यू मिल जाता है, और फिर हम लोग आसानी से कंपेयर कर सकते हैं। तो चलो पहले रेशो को मल्टीप्लाइड बाय 100 कर देंगे, दूसरे रेशो को भी मल्टीप्लाइड बाय 100 कर देंगे। सो 5 1s and 5 20s, सो 2 × 20 इट इज गोइंग टू कम 40% इफ वी कन्वर्ट दिस रेशियो इन टू परसेंटेज। एंड सिमिलरली हियर इट इज 400/7। ओके, 400/7 आपको करना है टू गेट द परसेंटेज वैल्यू। 7 5s is 35 माइनस अगेन 50, 7 7s is 49, ओके अगेन 1 is remaining, सो इट इज कमिंग 57.1%। ओके, इट इज कमिंग 57.1%। तो ये परसेंटेज ज्यादा है, तो डेफिनेटली व्हाट वी कैन से, 2/5 इज लेसर देन 4/7, यानी 4/7 ये रेशो बड़ा है। ओके, अनदर वे वी कैन डू द सेम क्वेश्चन, द सेकेंड अप्रोच। ओके, ये तो परसेंटेज की हेल्प से किया था। एक और अप्रोच है, यहाँ पे 2/5 और यहाँ पे हमारे पास है 4/7, हमको ये दोनों रेशो को कन्वर्ट करना है। ओके, सो व्हाट वी कैन डू नाउ, वी कैन मेक द डिनोमिनेटर्स सेम। ओके, हाउ वी आर गोइंग टू मेक द डिनोमिनेटर सेम? हम लोग एलसीएम लेंगे, और 7 और 5 का एलसीएम आता है 35। ओके, सो 2/5,
अब डिनोमिनेटर को 35 बनाए, 5 को 35 कैसे बना सकते हैं हम लोग, जब हम लोग 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो नीचे 7 से किया है तो ऊपर भी 7 से करना पड़ेगा। सिमिलरली यर 4 बाय 7, अब ये 7 को 35 बनाना है, आई विल हैव टू मल्टीप्लाई बाय 5, नीचे 5 से किया है तो आई विल मल्टीप्लाई न्यूमरेटर ऑल्सो बाय 5, तो ऊपर आ जाएगा 14/35 और यहाँ पे आ जाएगा 20/35। अब दोनों का डिनोमिनेटर हमने सेम कर दिया तो हमको बस न्यूमरेटर कंपेयर करना है, तो 20 बड़ा है 14 से, सो डेफिनेटली व्हाट वी कैन से 4/7 इज ग्रेटर देन 2/5। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट सेकेंड क्वेश्चन। ओके, सो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, द थर्ड वन। सो इट इज गिवन हियर, When 5 by 8 is converted into percentage, तो 5 by 8 क्या है? 5 by 8 है fraction, okay? 5 by 8 क्या है? It is a fraction. और fraction को अगर मुझे percentage में convert करना है, तो मुझे क्या करना पड़ता है? I need to multiply that fraction with 100. So what we are going to do? 5 by 8 multiplied by 100, okay? 4 twos are 4. 25 are. So 25 into 5 is 125 and divided by 2. So 125 ka aapko aadha karna hai, it will come 62.5%. So 5 by 8 ye fraction percentage mein kitna aata hai? It will come 62.5%. Okay, let's see next one now. So 70 meter is a dash percentage of 2 kilometers. So can I write it like this? 70 is equal to x percent, हम लोगों ने x percent मान लिया, x percent of 2 किलोमीटर। अब दिक्कत यहाँ पे ये है, ये वाला टर्म मीटर में है और ये वाला टर्म किलोमीटर में है, तो ये किलोमीटर वाले टर्म को हम लोग मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे क्योंकि हम लोग परसेंटेज फाइंड कर रहे हैं। ओके, सो वी नीड टू कन्वर्ट इन द सेम यूनिट, सो 70 विल बी इक्वल टू x अपॉन 100। Now 2 kilometer, 1 kilometer means how many meter? 1 kilometer means 1000 meter. तो 2 kilometer of का meaning है multiplication, 2 kilometer का value हो जाएगा meters में, it will be 2000. 1, 2, 0 cancels, 1, 2, 0 cancel. So x will be what? X will be 70 upon 20. अब 0, 0 cancel कर देंगे, फिर से 7 का आधा होता है 3.5. So what is the answer? 3.5%. So 70 meter is 3.5% of 2 kilometers. Okay, let's see the next one now, the fifth one. The decimal form of 31% is, okay, to kuch bhi nahi karna hai, in order to get the decimal form will be equal to 31 upon 100. Percentage ka sign hai, isliye upon 100. So in terms of decimal, what it will become? 0.31. Okay, so this is the decimal form of 31%. Quite easy. Okay, let's see the second question now. Okay, so second question mein aap logo ko yahan pe 3 marks ke questions milenge. Jaise ki हमारा पहला क्वेश्चन है सिंपल इंटरेस्ट का। सो मिस्टर साजन डिपॉजिटेड 25,000 रुपीज इन अ बैंक विच पेज 11.5% इंटरेस्ट पर एनम, फाइंड द अमाउंट ही विल गेट आफ्टर 5 इयर्स, यानी 5 साल बाद उसको रिटर्न अमाउंट कितना मिलेगा वो हमको निकालना है। तो हमारे पास जो कुछ भी गिवन है वी विल राइट इट फर्स्ट, सो प्रिंसिपल इज गिवन टू अस दैट इज 25,000, देन रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन टू अस 11.5% per annum, okay, per annum. Time period is also given, that is 5 years, okay. तो हमारे पास एक simple सा formula है simple interest calculate करने के लिए, that is SI is equal to P into R into T upon 100. अब बस values डालना है आपको, simple interest का value मिल जाएगा and उसके बाद देखते हैं फिर हम लोग amount कैसे निकालते हैं उस पे से फाइनल अमाउंट। ओके, सो रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 11.5 एंड टाइम पीरियड इज 5 इयर्स अपॉन 100, तो ये दो जीरो कट जाएंगे, ये दो जीरो कट जाएंगे। अब ये जीरो जो है ना, हम लोग ये 11.5 को दान में दे देंगे, तो वो क्या हो जाएगा, 25
इंटू 115 इंटू 5, दैट्स इट। अब इतना मल्टीप्लीकेशन करना है आपको, इंटरेस्ट का वैल्यू मिल जाएगा। 5 साल में कितना आपको एक्स्ट्रा इनकम हुआ, इंटरेस्ट यानी क्या, आपको एक्स्ट्रा इनकम जो होता है, ओके, दैट इज इंटरेस्ट। तो यहाँ पे हमको 25 इंटू 115 इंटू 5 करना है, तो 25 इंटू 5 कर लेते हैं पहले, 125, उसके बाद 115 से मल्टीप्लाई करना है, ओके। 115 से डायरेक्टली हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, 115 फाइव जा, ओके, 115 टेन जा हमको पता है, 1150 होता है, उसका आधा कर दो, सो 575, 5 यहाँ पे आ जाएगा, 57 मैंने कैरी ले लिया। अब 115 टू जा, 115 का डबल कितना होता है, 230, उसमें 50 जोड़ दो पहले, 230 प्लस 50 इज 280 प्लस 7 इज 287, 28 कैरी। 115 वन जा इज 115, उसमें अभी 20 जोड़ दो, 125, 135, अब उसमें 8 जोड़ दो, 14375, सो व्हाट इज द आंसर, इट इज 14,375, ओके, 14,375। ये हमको इंटरेस्ट मिला है, एक्स्ट्रा इनकम मिला है। अब हमको अमाउंट निकालना है, तो अमाउंट क्या होता है, अमाउंट होता है जो इन्वेस्टमेंट हम लोग कर रहे हैं, जो प्रिंसिपल अमाउंट है हमारा, उसके साथ हम लोग इंटरेस्ट को जोड़ देते हैं ताकि हमको फाइनल अमाउंट मिल सके। सो व्हाट इट विल बिकम, 25,000 में मुझे क्या ऐड करना पड़ेगा, आई विल हैव टू ऐड 14,375। तो फाइनल अमाउंट कितना आ रहा है, अब 25,000 में पहले 14,000 जोड़ दो आप, 39,000 आ जाएगा वो, ओके, और 375 आगे जोड़ दो, सो दिस इज द फाइनल अमाउंट। ट्राई टू डू द कैलकुलेशंस ओरली, हर बार रफ वर्क करने की जरूरत नहीं, रफ वर्क हम लोग करेंगे, डेफिनेटली करेंगे, बट रेयर ओकेजन्स में। लेट्स सी द नेक्स्ट वन, द सेकेंड क्वेश्चन, अगेन इट इज फॉर 3 मार्क्स। तो देखते हैं यहाँ पे क्या गिवन है, इंटरेस्ट फॉर 4,000 फॉर 2 ईयर्स इज रुपीज 1120। अब बहुत से बच्चों को यहाँ पे मीनिंग ही समझ में नहीं आता है क्वेश्चन का। अब यहाँ पे दो दो वैल्यूज गिवन है, ये जो वैल्यू गिवन है आपको 4,000, दिस इज द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल। ये किसका वैल्यू है, ये प्रिंसिपल का वैल्यू है, ये अमाउंट हम लोग इन्वेस्ट करने वाले हैं, और ये अमाउंट पे जो हमको इंटरेस्ट मिलेगा, दिस इज एस आई एंड दैट इज रुपीज 1120। हमको यहाँ पे निकालना क्या है, वी नीड टू फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, आर का वैल्यू हमको फाइंड करना है। तो हम लोग सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, टाइम पीरियड इज अगेन 2 ईयर्स हियर, कुछ नहीं, बस एस आई का जो फॉर्मूला है वो आपको लगाना है यहाँ पे, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो 1120 एस आई का वैल्यू हमारा, प्रिंसिपल हमारा है 4,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लोगों को कैलकुलेट करना है, टाइम पीरियड है हमारा 2 ईयर्स, ओके। सो दीज टू जीरोस कैंसिल, दीज टू जीरोस कैंसिल, ओके। अब हमको आर का वैल्यू चाहिए, सो व्हाट इट विल बिकम, 1120, और ये 40 और 2 को हम लोग शिफ्ट कर देंगे दूसरे साइड पे, ओके। फिर से ये जीरो कैंसिल हो गया, अब 256 जा, ओके, एंड 56 डिवाइडेड बाय 4 इज नथिंग बट 14%। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट का वैल्यू कितना है, 14% पर एनम, दिस इज द आंसर, इट वाज क्वाइट इजी। लेट्स सी द नेक्स्ट वन, ओके, नेक्स्ट वन इज ऑफ परसेंटेज इंक्रीज। तो द प्राइस ऑफ 1 लीटर ऑफ ऑयल इज इंक्रीज्ड फ्रॉम 84 रुपीज टू 96 रुपीज। तो पहले प्राइस कितना था, 1 लीटर ऑयल का प्राइस था पहले 84 रुपीज, अब थोड़ा सा प्राइस इंक्रीज हो चुका है और वो हो चुका है 96 रुपीज पर लीटर, यानी यहाँ पे वैल्यू बढ़ा है तो यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। अगर मुझे इंक्रीज अगर कैलकुलेट करना है, सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ इंक्रीज नाउ, इंक्रीज विल बी फाइनल वैल्यू दैट इज 96 माइनस इनिशियल वैल्यू दैट इज 84। तो इंक्रीज कितने रुपए का हुआ है, 12 रुपीज का इंक्रीज हुआ है। अब हमको ये इंक्रीज परसेंटेज में रिप्रेजेंट करना है, तो वी नीड टू कैलकुलेट परसेंटेज इंक्रीज। सो व्हाट इज परसेंटेज इंक्रीज इक्वल टू, सी इट इज परसेंटेज, सो परसेंटेज मीन्स व्हाट, रेशियो मल्टीप्लाइड बाय 100। अब यहाँ पे रेशियो किसका लेना पड़ेगा हमको, इंक्रीज, ओके, इधर वाला वैल्यू यहाँ पे एज इट इज आ जाता है, इंक्रीज अपॉन
इनिशियल वैल्यू, क्योंकि इंक्रीज हम लोग इनिशियल वैल्यू पे ही कैलकुलेट करते हैं, डिक्रीज हम लोग इनिशियल वैल्यू पे ही कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे इंक्रीज अपॉन इनिशियल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100, सो इंक्रीज ऑफ रुपीज 12, इनिशियल वैल्यू इज 84 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ये आता है 1/7 मल्टीप्लाइड बाय 100, बिकॉज दिस इज 12 वन एंड दिस इज 12 सेवन, सो 100 डिवाइडेड बाय 7, इफ यू डू द डिविजन इट विल कम 14.2857%। ओके, कितना आएगा? 14.2857%। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हाउ आई हैव रिटन इट डायरेक्टली। ओके, सी आई नो ऑल द फ्रैक्शन वैल्यूज, 1/2 का वैल्यू पता है मुझे, दैट इज 0.5, 1/3 का वैल्यू मुझे पता है, दैट इज 0.3333, रिकरिंग इट विल कम, 1/4 का वैल्यू मुझे पता है, दैट इज 0.25, 1/5 का वैल्यू मुझे पता है, दैट इज 0.2, ओके, 1/6 0.1666 विल कम रिकरिंग, 1/7 का वैल्यू होता है 0.142857। तो यहाँ से मैंने डायरेक्टली लिखा है। ओके, ये अगर आपको सारे 1 to 10 फ्रैक्शंस अगर पता है, 1/2 का वैल्यू, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, सो यू कैन डू द कैलकुलेशंस वेरी फास्ट। ओके ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। मिस्टर सेन बॉट 2 kg ऑफ पल्सेस एंड यूज्ड 30% ऑफ इट फॉर मेकिंग स्वीट्स, फाइंड द वेट ऑफ द पल्सेस यूज्ड इन मेकिंग स्वीट्स। ओके, सो लेट्स सी नाउ व्हाट इज गिवन। वेट ऑफ पल्सेस इज गिवन। ओके, वेट ऑफ पल्सेस इज हाउ मच, इट इज 2 kg। ओके, तो अब इसको ग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमको 30% निकालना है ये वैल्यू का। अगर आप इसको केजी में भी रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट डेसिमल वैल्यू के साथ आपको फिर ऑपरेट करना पड़ेगा। तो आई विल मेक इट लिटिल सिंपल फॉर यू, दैट्स व्हाई आई एम कन्वर्टिंग इट इनटू ग्राम। तो 2 kg यानी 2000 ग्राम। नाउ 30% ऑफ इट आर यूज्ड फॉर मेकिंग स्वीट्स, सो 30% ऑफ पल्सेस आर यूज्ड टू मेक स्वीट्स, यानी 30%, ये 2000 ग्राम्स का 30% हम लोग स्वीट्स बनाने में यूज करें, सो व्हाट इट विल बिकम 30% ऑफ 2000, यानी हम लोग कितना यूज करें वो हमको मिल जाएगा, सो व्हाट इट विल कम 30/100 ऑफ मीन्स मल्टीप्लीकेशन 2000 विल कम हियर, दिस टू जीरोस कैंसिल, दिस टू जीरोस कैंसिल, नाउ 30 × 20, 3 2 6 एंड विल पुट 2 zeros, सो 600 grams, इतना हम लोग स्वीट बनाने में पल्सेस का यूज कर रहे हैं। तो व्हाट इज द रिमेनिंग क्वांटिटी ऑफ पल्सेस, आप लोग कैसे निकाल सकते हैं उसको, अगर आपको पूछा होता क्वेश्चन में, दैट विल बी नथिंग बट 70% ऑफ 2000, क्योंकि टोटल 30 और 70 टोटल दोनों मिला के 100% होना चाहिए। ओके, तो ये अगर आपको पूछा होता तो यू वुड हैव कैलकुलेटेड दिस वैल्यू 70% ऑफ 2000। ओके, सो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ पे हमारे 3 marks के सारे क्वेश्चन अभी खत्म हो जाएंगे, देन वी विल सी 5 marks क्वेश्चन। तो देखते हैं यहाँ पे, अ मैकेनिक बॉट एन ओल्ड रेफ्रिजरेटर फॉर ₹5,000, स्पेंट ₹1,000 ऑन इट्स रिपेयरिंग, फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंट इफ ही सोल्ड इट फॉर ₹8,000। तो हमको जो कुछ भी गिवन है हम वो पहले लिखेंगे, सो कॉस्ट प्राइस ऑफ रेफ्रिजरेटर, सो व्हाट इज दैट, दैट इज ₹5,000। अब ₹1,000 हम लोग रिपेयरिंग पे भी खर्चा कर रहे हैं, तो कॉस्ट ऑफ रिपेयरिंग इज व्हाट, इट इज ₹1,000। अब ये रिपेयरिंग का खर्चा हमारे कॉस्ट प्राइस में ही ऐड होता है, आपको पता है, बिकॉज दिस इज एन ओवरहेड एक्सपेंस। ओके, तो टोटल कॉस्ट प्राइस क्या हो गया रेफ्रिजरेटर का, टोटल सीपी
वो हो गया 5,000 प्लस ये 1,000, सो 5,000 प्लस दिस 1,000, सो व्हाट इज द टोटल सीपी ऑफ द रेफ्रिजरेटर? इट इज ₹6,000. ओके, अब सेलिंग प्राइस भी हमको गिवन है क्वेश्चन में. व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ रेफ्रिजरेटर? इट इज 8,000. इट इज ₹8,000. अब आपको यहाँ पे एक चीज क्लियर हो रही होगी कि 6,000 में खरीदा, टोटल कॉस्ट प्राइस है हमारा, और 8,000 में सेल कर दिया, यानी हमारा सेलिंग प्राइस बड़ा है कॉस्ट प्राइस से. तो ये ट्रांजैक्शन में हमको हमेशा क्या होता है, ये ट्रांजैक्शन में हमको होता है प्रॉफिट. एंड नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द प्रॉफिट हियर, SP माइनस CP. ओके, सो व्हाट इट विल बिकम? 8,000 माइनस 6,000, तो हमारा प्रॉफिट का अमाउंट है ₹2,000. ओके, अब हमको निकालना है परसेंटेज प्रॉफिट. सो व्हाट इज परसेंटेज प्रॉफिट नाउ? इट इज अ रेशियो मल्टीप्लाइड बाय 100. अब यहाँ पे रेशियो किसका आएगा? रेशियो आएगा प्रॉफिट और कॉस्ट प्राइस का. रेशियो किसका आएगा? प्रॉफिट और कॉस्ट प्राइस का. सी, ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, वी कैलकुलेट परसेंटेज प्रॉफिट और परसेंटेज लॉस ऑलवेज ऑन द कॉस्ट प्राइस ओनली. सेलिंग प्राइस पे कभी नहीं निकालते हम लोग प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज. तो यहां पे 2,000 अपॉन, नाउ आई विल हैव टू टेक टोटल सीपी हियर. हां, आई विल नॉट टेक द कॉस्ट ऑफ द रेफ्रिजरेटर, आई विल टेक द टोटल सीपी, क्योंकि हम लोग रिपेयरिंग पे ₹1,000 स्पेंड कर रहे हैं, तो उतना महंगा हो गया ना वो रेफ्रिजरेटर, सो दैट विल ऑल्सो बी काउंटेड. So we will have to take total CP only multiplied by 100. तो यहाँ पे 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 0 cancel, 2 1s are 2, 3s are. Now 1/3 I told you 0.33. So what will be the answer here? 100/3 means 33.33%. Okay. So what is the percentage profit here? 33.33%. इतना profit हुआ है यहाँ पे ये transaction. Okay, let's see. The next question now. Now we will do 5 marks question. So solve the following for 5 marks each. अब ये 5 marks question में आपको option था. First और second दोनों में से एक solve करना था और third और fourth दोनों में से एक solve करना था. Okay? So 5 + 5, 10 marks. Third question हमारा 10 marks के लिए था total. So Asit, a car dealer bought a second hand car for ₹2,20,000 and he spent ₹15,000 on its repairing and painting the car. He sold it for ₹2,49,000, 100 rupees. Find his profit percentage. तो percentage profit का question है. हम लोगों को जो भी given है, first we'll write cost price of car. So what is the cost price of car? It is ₹2,20,000. Okay, it is 2,20,000. Now, what is repairing cost? Second hand car hai, toh definitely repair karke hi hum log usko use karenge. Repairing cost is ₹15,000. Toh ye bhi ek hamara extra kharcha hua hai, that is overhead expense. Toh hamar ko total cost price of car will be what? Ye dono humko add karna padega. 2,20,000 प्लस 15,000. ओके, तो हमको टोटल कॉस्ट प्राइस मिलेगा कार का, इट विल बी 2,35,000. नो, 2,20,000. यस, 2,35,000, करेक्ट. ओके, नेक्स्ट वी हैव द सेलिंग प्राइस ऑल्सो ऑफ द कार. द सेलिंग प्राइस ऑफ कार इज गिवन टू अस इन द स्टेटमेंट इटसेल्फ, दैट इज ₹2,49,100. तो डेफिनेटली आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ पे 2,35,000 में हमने खरीदा था और 2,49,000 में हम लोग उसको सेल कर रहे हैं, 100 रुपये ऊपर से उसको सेल कर रहे हैं. तो डेफिनेटली हमारा सेलिंग प्राइस जो है वो बड़ा है कॉस्ट प्राइस से. सो ये ट्रांजैक्शन में हमको प्रॉफिट हुआ है. तो प्रॉफिट हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? इट विल बी SP माइनस CP. तो 249,100 माइनस 235,000. तो अब देखो 49 और 35, 14,000 का गैप है,
और ये 100 रुपीज हमको फिर से जोड़ना पड़ेगा, तो इतना हमारा प्रॉफिट हुआ है। ओके अब ये प्रॉफिट को बस हमको परसेंटेज में रिप्रेजेंट करना है, तो व्हाट इज द फॉर्मूला, परसेंटेज प्रॉफिट इज व्हाट, अ रेशियो मल्टीप्लाइड बाय 100। अब यहाँ पे रेशियो किसका आएगा, प्रॉफिट और कॉस्ट प्राइस का रेशियो आएगा। सो प्रॉफिट इज 141,000 अपॉन द टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ द कार इज 235,1230 मल्टीप्लाइड बाय 100। ये दोनों जीरो कट जाएंगे, ये दोनों जीरो कट जाएंगे, ये एक जीरो कट जाएगा। सो फाइनली व्हाट इज रिमेनिंग, 1410 अपॉन 235। ओके दिस मच इज रिमेनिंग, नाउ वी कैन डिवाइड इट बाय 5। सो 5 टू जा इज 10, 418 जा 282, और यहां पे 5 से डिवाइड करने के बाद आ जाएगा 47। ओके सो अब देखो, मैं थोड़ी देर के लिए इसको एज्यूम करता हूँ ये 50 है और ये 300 है, तो लगभग 6% के आसपास वैल्यू आना चाहिए। तो मैं डायरेक्टली करके देखूंगा 47 6 जा कितना आता है। सो 6 7 जा इज 42, 4 कैरी 7 सॉरी 6 4 जा इज 24, 28 282 डेफिनेटली। सो 47 1 जा एंड 47 6% इज द आंसर। इस तरीके से हम लोग अप्रोक्सीमेशन की हेल्प से कैलकुलेशंस काफी फास्ट कर सकते हैं, काफी आसानी से कर सकते हैं। सो दिस वॉज द आंसर फॉर फर्स्ट वन, लेट्स सी द सेकेंड वन नाउ। नाउ जेम्स बॉट अ ड्रेस मटेरियल फॉर ₹2,700 एंड ही स्पेंट ₹500 फॉर डूइंग एम्ब्रॉयडरी वर्क। ओके ही सोल्ड दैट ड्रेस एंड गॉट अ प्रॉफिट ऑफ 7%। तो यहाँ पे हमको डायरेक्टली परसेंटेज प्रॉफिट का वैल्यू गिवन है, हमको सेलिंग प्राइस निकालना है ड्रेस मटेरियल का, नो प्रॉब्लम, विल फाइंड इट आउट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट गिवन कॉस्ट प्राइस ऑफ ड्रेस मटेरियल, सो वी विल राइट इट फर्स्ट, ड्रेस मटेरियल का कॉस्ट प्राइस कितना है, वो है ₹2,700। अब एम्ब्रॉयडरी पे भी कुछ खर्चा हुआ है, दैट इज ₹500 एम्ब्रॉयडरी। ओके एम्ब्रॉयडरी कॉस्ट दैट इज ₹500, तो टोटल हमको पूरा खर्चा कितना हुआ है ये ड्रेस मटेरियल पे, दैट विल गिव अस द टोटल सीपी। ओके वो हमको मिलेगा टोटल सीपी ऑफ ड्रेस मटेरियल। सो व्हाट इज द टोटल सीपी, आपको बस ये दोनों वैल्यूज को जोड़ना है। सो व्हाट इट विल बिकम, 2700 में आपको ₹500 ऐड करना है, तो टोटल सीपी आ जाएगा आपका 3200 रुपीज का, ये कॉस्ट प्राइस है, टोटल कॉस्ट प्राइस ड्रेस मटेरियल का। अब हमको परसेंटेज प्रॉफिट का वैल्यू गिवन है, दैट इज 7%, एंड वी हैव द फॉर्मूला ऑफ परसेंटेज प्रॉफिट, व्हाट इज दैट, दैट इज प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100। तो यहाँ पे बस वैल्यू डालेंगे, वो 100 को हम लोग LHS में शिफ्ट कर देंगे, तो वो नीचे आ जाएगा 7 के, विल बी इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन सीपी। ओके नाउ वी हैव द वैल्यू ऑफ सीपी आल्सो, विल पुट इट हियर इन दिस इक्वेशन, तो ये क्या हो जाएगा, 7 अपॉन 100 विल बी इक्वल टू पी अपॉन 3200। ओके सो शिफ्ट दिस 3200 ऑन दैट साइड, सो 7 इंटू 3200 अपॉन 100, तो ये दो जीरो कट जाएंगे, बस हमको 32 7 जा करना है, दैट इज अवर प्रॉफिट वैल्यू। सो 32 7 जा, ओके सो 32 5 जा इज 160 एंड 32 2 जा इज 64, दोनों को जोड़ दो, 4 224 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है। अब हमारे पास एक और फॉर्मूला है, प्रॉफिट क्या होता है, वो होता है सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस होता है। तो हमारे पास प्रॉफिट का वैल्यू है 224, हमको सेलिंग प्राइस निकालना है, कॉस्ट प्राइस का वैल्यू है 3200, 3200 को उधर भेज दो, वो पॉजिटिव हो जाएगा और वो ऐड हो जाएगा 224 में। सो अभी 3200 जोड़ना है बस इसमें, सो 424, सो 3424 रुपीज इज द सेलिंग प्राइस, 3424 रुपीज इज द सेलिंग प्राइस ऑफ द ड्रेस मटेरियल, और वही हमको फाइंड करना था।
ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट वन नाउ. सो विमला डिपॉजिटेड 20,000 इन अ बैंक एट 11.5% इंटरेस्ट पर एनम, एंड कमला डिपॉजिटेड 25,000 इन अ बैंक एट 10.5% इंटरेस्ट पर एनम. तो हु विल गेट मोर मनी आफ्टर 5 ईयर्स? तो हमको क्या करना है, दोनों का 5 ईयर्स बाद का हमको फाइनल अमाउंट कैलकुलेट करना है. ओके, तो हम लोग दो सेक्शन बना लेंगे यहाँ पे. वी विल मेक टू कॉलम्स हियर. इन फर्स्ट कॉलम वी विल टेक विमला. ओके, दिस इज ऑल अबाउट विमला हियर, एंड दिस इज कमल. शी इज कमल, नॉट कमला. ओके, सो रीड द नेम्स प्रॉपरली. कमल. ओके, तो विमला का प्रिंसिपल अमाउंट है 20,000 रुपीज. कितना है? 20,000 रुपीज. रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों का भी अलग अलग है, तो उसके अकॉर्डिंग इंटरेस्ट भी अलग अलग आएगा, क्योंकि प्रिंसिपल भी अलग है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी अलग है. बट टाइम पीरियड दोनों भी 5 साल के लिए ही इन्वेस्ट कर रहे हैं. ओके, तो हमको बताना है कि किसको ज्यादा पैसा मिलेगा 5 साल के बाद. अ वेरी इजी क्वेश्चन ऑन सिंपल इंटरेस्ट. सो वी विल यूज द फॉर्मूला ऑफ एस आई, विच इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100. वैल्यूज डालना है अभी, तो इंटरेस्ट का वैल्यू मिलेगा आपको 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 11.5 इंटू 5 अपॉन 100. अब दो जीरो हम लोग पहले ही काट देंगे, फिर ये 200 का एक जीरो हम लोग इसको दे देंगे 11.5 को, तो वो हो जाएगा 20 इंटू 11.5 इंटू 5. अब देखो आसानी से कैसे करेंगे हम लोग, 25 100 होता है, 11.5 नहीं आएगा, यहाँ पे डेसिमल हट गया क्योंकि एक जीरो हमने इसको दान में दिया है. तो 25 100 एंड 100 इंटू 115 इज 11500. तो इसका अमाउंट कितना बनेगा 5 साल बाद, प्रिंसिपल प्लस एसआई जोड़ना है आपको. सो व्हाट इट विल बिकम, प्रिंसिपल है 20,000, एसआई सिंपल इंटरेस्ट बनेगा 11,500, सबको जोड़ दो, इट विल कम 31,500 रुपीज. तो इतना अमाउंट उसको 5 साल बाद मिलेगा 20,000 इन्वेस्ट करने के बाद. अब वैसे ही कमल का भी हम लोग कैलकुलेट करेंगे. कमल का प्रिंसिपल है रुपीज 25,000. अब देखो यहाँ पे प्रिंसिपल का अमाउंट ज्यादा है, विमला का 20,000 ही था, कमल का 25,000 है, बट विमला का रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा था, इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है. तो देखते हैं अभी किसका ज्यादा अमाउंट बनता है 5 साल बाद. सो व्हाट इट विल कम, 10.5% पर एनम. टाइम पीरियड इज अगेन 5 ईयर्स. ओके, फिर से हम लोग एस आई का फॉर्मूला लगा देंगे, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100. ओके, सो 25,000 इंटू 10.5 इंटू टाइम पीरियड इज 5 ईयर्स अपॉन 100. अब दो जीरो कैंसिल कर देंगे सबसे पहले, और ये एक जीरो इसको दान में दे देंगे ताकि इसका डेसिमल पॉइंट हट जाए. सो व्हाट इट विल बिकम, 25 इंटू 105 इंटू 5. ओके, तो सबसे पहले हम लोग 25 फाइव जा कर लेंगे, वी विल डू सम रफ वर्क, दैट इज 125 मल्टीप्लाइड बाय 105. अब 105 फाइव जा करना है, तो 105 10 जा कितना होता है 1050, तो उसका आधा यानी 5 जा हो जाएगा, तो उसका आधा होता है 525. सो 5 आई विल राइट इट हियर, 52 आई विल टेक कैरी. 105 2 जा, 105 का डबल 210, उसमें 50 जोड़ दो क्योंकि ये कैरी वाला पार्ट हमको जोड़ना पड़ेगा. सो 260 एंड दिस 2 262, सो 26 कैरी. 105 1 जा, अब ये 26 जोड़ना है उसमें, तो पहले 25 जोड़ दो, तो वो कितना हो जाएगा, पहले 5 जोड़ दो. ओके, विल मेक इट सिंपल, 110 उसमें 20 जोड़ दो, 130 131 26 जोड़ने के बाद. सो व्हाट इज द आंसर, इट इज कमिंग 13,125. तो अब इसका अमाउंट हमको निकालना है, तो पी प्लस एस आई, सो व्हाट इट विल बिकम, 25,000 में हमको 13,125 जोड़ना पड़ेगा, तो कितना आता है, पहले 13,000 जोड़ दो,
तो 38,000 हो जाएगा ये, और बाद में 125 छोड़ दो, सो 125, 38,125। ओके, सो आपको दिख रहा होगा कि कमल इज गेटिंग मोर अमाउंट आफ्टर 5 ईयर्स एंड विमला इज गेटिंग लेस अमाउंट। सो हु गेट्स मोर मनी आफ्टर 5 ईयर्स? व्हाट विल बी द फाइनल स्टेटमेंट? कमल गेट्स मोर अमाउंट आफ्टर 5 ईयर्स। ओके, ओके, सो व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ? वॉशिंग मशीन इज सोल्ड फॉर ₹12,325 आफ्टर अलाउिंग अ डिस्काउंट ऑफ 15%। ओके, लेट्स सी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर टेस्ट नाउ। सो दैट इज ऑल्सो ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। तानिया हैज 96,000 इन हर अकाउंट एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 6% पर एनम। आफ्टर हाउ मच टाइम शी विल गेट 9,600 एज इंटरेस्ट? ओके, तो यहाँ पे हमको प्रिंसिपल अमाउंट गिवन है ₹96,000। ओके, 96,000 हमको सिंपल इंटरेस्ट का भी वैल्यू गिवन है, इट इज 9,600। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज ऑल्सो गिवन टू अस, दैट इज 6% पर एनम। और हमको फाइंड करना है कि कितने साल बाद ये इंटरेस्ट मिलेगा 9,600 रुपीज का 96,000 पे। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ टी। सो एज सिंपल एज दैट, एस आई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। एस आई का वैल्यू है हमारा 9,600, प्रिंसिपल है हमारा 96,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारा 6, और टाइम पीरियड का वैल्यू हमको निकालना है, दैट्स इट। सो ये दो जीरो कैंसिल, ये दो जीरो कैंसिल। नाउ वी विल शिफ्ट द टर्म्स ऑन LHS, व्हाट इट विल बिकम, इट इज 99,600, करेक्ट। सो 9,600 अपॉन 960, ओके, इंटू 6, दैट विल गिव अस द वैल्यू ऑफ टी। ओके, तो ये एक जीरो कैंसिल हो गया, ये 96 वन जा और ये 10 जा, तो टाइम पीरियड हमारा है 10/6, सो 5/3। ओके, सो इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शन व्हाट वी कैन से, इट इज 5/3 ईयर्स। बट अभी अगर हमको इसको साल और मंथ्स में अगर एक्सप्रेस करना है, कितने साल और कितने महीने, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, हम लोग पहले ये टी को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो इसका मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या आएगा, 1/2/3। ओके, 1/2/3 ईयर्स, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन आ जाएगा। अब हमको मंथ्स में अगर कन्वर्ट करना है, तो ये तो पूरा एक साल है, ये 2/3 को हमको मंथ्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और एक साल में हमारे पास होते हैं 12 मंथ्स। सो 2/3 को हम लोग 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 जा एंड 3 4 जा, अब हमको आंसर मिल गया 1 ईयर एंड 8 मंथ्स। ओके, 1 ईयर एंड 8 मंथ्स, इतना टाइम लगेगा 96,000 रुपीज पे 9,600 रुपीज का इंटरेस्ट अचीव करने के लिए। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द टेस्ट। इफ यू आर हैविंग एनी डाउट, यू कैन पुट अप योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन ऑल्सो। अगर आप लोग रणवीर्स मैथ्स हब का पार्ट नहीं भी हो, तो आप लोग टेस्ट पेपर को डाउनलोड कर सकते हो। टेस्ट पेपर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, फ्रॉम देयर यू कैन डाउनलोड इट और आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके, सो बाय टू एवरीवन, हैव अ नाइस डे, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो, इन द नेक्स्ट टेस्ट। बाय।